राजधानी दिल्ली में जहां एक और बढ़ती हुई गर्मी लोगों की समस्या का कारण बनी हुई है, तो वहीं एक और समस्या इस समय दिल्ली की जनता को सता रही है। हम बात कर रहे हैं पानी की गंभीर समस्या की। इस संकट से इस समय काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की कि वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से दिल्ली की पानी की मांग को पूरा करने में मदद करने का आग्रह करें। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से मिलने वाला पानी भी कम हो गया है। इसका मतलब है कि मांग बहुत बढ़ गई है और आपूर्ति कम हो गई है। हम सबको मिलकर इसका समाधान करना होगा। इस पोस्ट में केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने का आरोप लगाते हुए इस पोस्ट में आगे लिखा कि मैं देख रहा हूं कि भाजपा के साथी हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि समय राजनीति करने के बजाय हम सब मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाएं। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि अगर भाजपा अपनी हरियाणा और यूपी सरकारों से बात करके दिल्ली के लिए एक महीने के लिए कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली के लोग भाजपा के इस कदम की बहुत सराहना करेंगे। ऐसी भीषण गर्मी के किसी के बस में नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या हम लोगों को इससे राहत दिला सकते हैं? राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी देखी गई है। इनमें चाणक्यपुरी का संजय कैंप इलाका और गीता कॉलोनी इलाका शामिल है। लोगों को पानी के लिए लाइनों में लगकर टैंकर से पानी लेने की भी आवश्यकता बढ़ गई है। टैंकर आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पानी ना तो मिल पा रहा है और ना ही आपूर्ति हो पा रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। दिल्ली और हरियाणा सरकार के खिलाफ पानी के लेकर खींचतान जारी है। इस मामले में दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की है। उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से पानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी दिया जाए। इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रिकॉर्ड तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है। एक दिन पहले ही आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है। इससे दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। हालांकि इससे निपटने के लिए सरकार ने तैयारी की है। सरकार ने वाटर टैंकर वॉर रूम बनाया है, जहां से दिल्ली वासी 1916 पर कॉल करके टैंकर मंगवा सकते हैं। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें बनाई गई। निर्माण साइटों, कार वॉशिंग और कार रिपेयर सेंटर पर जल बोर्ड के पोर्टेबल पानी के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। आदेश का पालन न करने पर साइट सील कर दी जाएगी। इधर आतिशी ने वजीराबाद तालाब का निरीक्षण कर बताया कि यमुना का सामान्य जल स्तर 674 फीट से घटकर 670 फीट पर आ गया है। इससे कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है। हरियाणा से यमुना में छोड़े जाने वाले पानी वजीराबाद, चंद्रबाद और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा रही है। भाजपा ने जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया।